कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव और लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देख सरकार द्वारा बंद किए गए स्कूलों को खोलने की मांग अब उठने लगी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले संचालकों ने भी सरकार से स्कूलों को खोलने की मांग की है। इसी के चलते सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर स्कूलों को खोलने की मांग की है। ज्ञापन एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल अत्रे ने बताया, स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। कई कई घंटे ऑनलाइन कक्षाएं लेने से बच्चों की आंखों में परेशानी बन रही है। कई बच्चे पढ़ाई से विमुख हो रहे हैं। एसोसिएशन ने आगामी परीक्षाओं को देखते हुए कोविड गाइडलाइन अनुसार स्कूलें खोलने की मांग के साथ ही वर्ष 2011-12 के बाद से अब तक की आरटीई की राशि का भुगतान 1 से 8 तक स्कूलों के मान्यता नवीनीकरण पूर्वानुसार जैसी मांगे शामिल है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ आया है। हम देख रहे हैं कि सारे शहर पूरे खुले हुए हैं, पूरा मार्केट खुला हुआ है, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, शादी विवाह समारोह में अधिक से अधिक संख्या में लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी जा रहे हैं। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूलों को बंद किया था, लेकिन बाकी सभी चीज़ें यथावत खुली हुई हैं। तो निजी स्कूल ये मांग करते हैं और हम आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले ये मांग करने आए हैं कि समस्त प्राइवेट स्कूल्स को खोला जाए, पुनः स्कूल्स को खोला जाए, ताकि और हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जैसे ये स्कूल चला रहे थे वैसे स्कूल को चलाएंगे। साथ ही साथ हमारी आरटीई की फीस की प्रतिपूर्ति 2011-12 से लेकर के अभी तक कहीं लंबित है, तो हमें आज तक जो भी हमारी राशि है वो हमें पूरे दी जाए पूरी तरीके से, क्योंकि कोरोना काल के बाद से निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। साथ ही साथ 1 से 8 तक की मान्यता का मुद्दा भी हम उठाना चाहते हैं। शासन के अधिकारी जो हैं वो बिना किसी सूचना के नए नियम हम पर ला देते हैं। अभी ऑनलाइन प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से कर दी गई, जिसकी कोई प्रशिक्षण किसी प्रकार का प्रशिक्षण हमारे साथियों को नहीं दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि जैसी पूर्वरत मान्यता नवीनीकरण की कार्रवाई हो रही थी वैसी की जाए। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मान्यताओं का जहाँ तक प्रश्न है उसमें भी जिला जो संयुक्त संचालक है, संभागीय संयुक्त संचालक, उन्होंने अनेक स्कूल संचालकों की फाइलों को लंबित कर दिया है और आगे बढ़ा दिया गया है। मान्यता नवीनीकरण खतरे में है, उसको लेकर के भी आज हम आए हैं कि मान्यता नवीनीकरण तुरंत किया जाए। क्या नाम सर आप? डॉक्टर लवेश राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।